अभी तक आपने देखा हूँ मिनी स्कैनर में यूनिर यहान को बोलती है कि उसके दादा ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वो आ जाता है ऊपर। यूनिर के दादा यहान को वहाँ देखकर शक नहीं करता है। जाओ यहान को बोलता है, तुम कितने मतलबी हो बच्चे, तुम मुझे बताए नहीं कि तुम कब आ गए, लेकिन तुम यहाँ पर इतने सुबह आ गए। यहान हंसते हुए बोलता है, मैं बहुत चिंता में था कि आपको इतना सुबह परेशान ना करूं। ग्रैंडपा जाओ, यूनिर अपने मन में बोलती है। दादा के फेस को देखकर ये पता चलता है कि वो यहान को शर्मिंदा नहीं करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा दिखा रहे कि उसे कुछ नहीं पता। जाओ यहान को बोलता है, तुमने बहुत अच्छा किया यहान, इसलिए मैं सोच लिया कि मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना चेला बना लूं। फिर यहान अपने मन में सोचता है, ओल्ड मास्टर इस कंट्री में एंटिक जेट को पहचानने वाले पहले इंसान है। हालांकि मेरे पास इन यान पेनिट्रेशन विजन है, लेकिन मैं फिर भी एक न्यूबी हूँ। अगर ओल्ड मास्टर मुझे चेला बना लेगा तो फिर मैं। फिर अचानक से यूनिर यहान को बोलती है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो यहान? यहान बोलता है, ओह हाँ। फिर जाओ के कदमों पर झुककर बोलता है, मैं आपका सबसे अच्छा चेला बनूंगा मास्टर। मास्टर जाओ बोलते हैं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है कि एक इंट्रोडक्शन सेरेमनी कुछ दिनों में ऑर्गेनाइज करूँ और मैं ऑफिशियली बता पाऊँ सबको कि तुम मेरे चेले हो। यहान बोलता है, अच्छा ग्रैंडपा जाओ। फिर यहान एक जेट निकालते हुए मास्टर जाओ को बोलता है, आपने प्रॉमिस किया था कि मैं साउथर्न यूनान में अच्छे से परफॉर्म करूँगा, तो अब मुझे और यूनिर को एक साथ होने के लिए रोकेंगे नहीं। ये जेट मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट करोगे। यूनिर यहान की बातें सुनकर अपने मन में बोलती है, यहान सही में दादा से मेरी हाथ की बात कर रहा है। मास्टर जाओ यहान को बोलता है, अगर तुम यूनिर का हाथ चाहते हो तो तुम मुझे कोई भी स्टोन नहीं दे सकते जो तुमने देखा यहाँ। मास्टर जाओ उस पत्थर को सॉफ्ट होकर देखकर बोलते हैं, इस पत्थर में बहुत ही अच्छा टेक्सचर है जो यूनिर लाई थी लास्ट बार। यहाँ बोलता है, हाँ मैं इस पत्थर को यूनिर के लिए संभाल के रखा था, मैंने इस पत्थर को अभी तक किसी को नहीं दिखाया। यूनिर यहाँ की बातें सुनकर उसके हाथ पकड़ते हुए बोलती है, यहाँ तुम बहुत ही अच्छे हो। यहाँ बोलता है, ये कुछ भी नहीं। जाओ यहाँ को बोलता है, ठीक है यहाँ तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, मस्ती करो तुम दोनों, मैं जा रहा हूँ सेरेमनी को प्रिपेयर करने। फिर यहाँ बोलता है, रुकिए दादाजी मेरा पास एक आइडिया है, हम लोग दोनों पत्थर को काट लेते हैं सेरेमनी से पहले, जो अच्छा पत्थर होगा वो हम लोग रख लेंगे और दूसरा पत्थर हम लोग बेच देंगे, इससे जाओ फैमिली का रेपुटेशन और भी बढ़ जाएगा। जाओ सोचते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है यहाँ, तुम्हें पता है इन दोनों पत्थर में सबसे कम दाम वाला पत्थर कुछ बिलियन में होंगे, तुम श्योर हो तुम इसे बेचना चाहोगे? तुम्हें पता होना चाहिए हम लोग इस इंडस्ट्री में अभी तक बेस्ट नहीं है। यहाँ बोलता है, ग्रैंडपा जाओ आप दो चीज गलत समझ रहे हैं, पहला चीज मैं ये पत्थर सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूँ, मैं ये पत्थर आपको गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ, दूसरी बात अभी जाओ फैमिली उतना भी स्ट्रांग नहीं है, आपके पास मैं हूँ तो मुझे लगता है कि जाओ फैमिली आगे चलकर बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जाओ हंसते हुए यान को बोलता है, तुम बहुत साहसी हो बच्चे। यूनिर अपने मन में सोचती है, अच्छा हो यान तुम्हें पाकर। फिर यूनिर यान को बोलती है, फिर से आना कल। यान बोलता है, मुझे कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। फिर यान अपने मन में सोचता है, ग्रैंडपा जाओ ने बोला कि उसे इनविटेशन करने के लिए पूरा एक दिन लग जाएगा, यूनिर के पास बहुत ही दम है। फिर यहाँ वहाँ से चला जाता है अपनी गाड़ी लेकर। फिर यहाँ जैसे ही गाड़ी लेकर निकलता है वैसे ही एक लड़की बीच रास्ते में चल रही होती है। फिर यहाँ अपनी गाड़ी को किसी तरह भी रोक लिया। फिर वो लड़की उस गाड़ी को देखकर चिल्ला पड़ती है। यहाँ गाड़ी के भीतर सोच रहा होता है, बच ही गया मैं एक्सीडेंट करने ही वाला था, अच्छा हुआ कि मेरा स्किल और बेहतर हो गया, इससे मैं गाड़ी को जल्दी ही रोक पाया। फिर हुआ फैंग वहीं पर बैठ जाती है। यहाँ गाड़ी से निकलते हुए बोलता है, आप ठीक हो मिस, आपको कोई मदद की जरूरत है? फिर यहाँ हुआ फैंग एक दूसरे को देखकर बोलते हैं, तुम? यहाँ ऑफिसर यन को बोलता है, तुम इतनी रात को रास्ते के बीच में क्या कर रही हो? ऑफिसर यन, ये बहुत ही डेंजरस है यहाँ पर। ऑफिसर यन गुस्से से बोलती है, अपने काम से काम रखो। यहाँ बोलता है, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ऑफिसर यन खड़ी होकर बोलती है, तुमसे क्या, मैं जा रही हूँ। यान अपने मन में सोचता है, तू मुझे ऑफिसर यन के बॉडी में इन एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है, चलो देखते हैं। फिर यान अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से ऑफिसर यन को देखता है, उसे देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, क्या? और वो वहीं पर गिर जाता है। ऑफिसर यन ये देखकर बोलती है, अब तुम्हें क्या हो गया, तुम डरपोक जैसा क्यों कर रहे हो, तुम घर जाने से डर रहे हो क्या? यहाँ घबराते हुए ऑफिसर यन को बोलता है, तुम्हारे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है ना, क्या तुम्हें पेरियड्स है? जैसा दर्द होता था उससे 10 गुना ज्यादा दर्द हो रहा है ना? ऑफिसर यन बोलती है, तुम्हें कैसे पता? यहान बोलता है, तुम आज ऐसी जगह गई थी क्या जहाँ पर सबसे ज्यादा इन एनर्जी हो, जैसे कब्रिस्तान या कोई मुर्दा घर? ऑफिसर यन बोलती है,
हाँ मैं मुर्दागढ़ गई थी एक विक्टिम के बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्यों, कुछ गलत हुआ है क्या? यहाँ अपने मन में सोचता है कि इसे कोई इविल स्पिरिट ने पकड़ लिया, इससे वो डर जाएगी। ऑफिसर यहाँ घबराते हुए बोलती है, यहाँ कुछ तो बोलो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? यहाँ बोलते है, चिंता मत करो, उस मुर्दा घर में बहुत ही ज्यादा इन एनर्जी थी, प्लस तुम्हारा बॉडी बहुत ही कमजोर है, इसलिए तुम्हारा पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा इसे ठीक करने में। ऑफिसर यान बोलती है, तुम जाइनोकोलॉजी जानते हो? यान हंसते हुए बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत। फिर यान ऑफिसर यान को गाड़ी में ले जाता और बोलता है, रास्ते में बहुत ही खतरा होगा, चलो मेरे गाड़ी में पहले, मैं तुम्हारे बॉडी को भी चेक कर लूंगा और तुम्हें घर भी ड्रॉप कर दूंगा। फिर यान ऑफिसर यान को गाड़ी में बैठा देता है और उसका पेट के इधर का कपड़ा खोल देता है। ऑफिसर यान गुस्से से बोलती है, तुम मेरे पेट के इधर से हाथ नहीं हटाए तो यान मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यान बोलता है, चिंता मत करो, डॉक्टर एक तरह के हीलर होते हैं, वो अपने सच्चे दिल से इलाज करते हैं, उनकी आंखों में जेंडर का डिफरेंस नहीं होता है, सब कोई समान होता है। फिर यान अपने हाथों में एक सुई लेकर अपने इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से सारे इविल स्पिरिट को ऑफिसर यान की बॉडी से निकाल देता है। फिर ऑफिसर यान चिल्लाते हुए बोलती है, बहुत ही गर्मी है। फिर यान बोलता है, मैंने बहुत ही स्ट्रांग यंग एनर्जी यूज किया है तुम्हारे पेट में उस इन एनर्जी के लिए, ये नॉर्मल बात है कि तुम्हें गर्मी लगेगा, तुम अपने कपड़े उतार सकती हो ठंडा होने के लिए। ऑफिसर यान ये बातें सुनकर गुस्से में आ जाता और यान को एक थप्पड़ मारते हुए बोलती है, मैं जानती थी कि तुम मेरे बॉडी के पीछे पड़े हो।